हेलो एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने अपने ऑलमोस्ट सभी HDFC बैंक की वीडियोस में स्मार्ट बाय के बारे में डिस्कस किया है, तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म आखिर है क्या, कौन से कार्ड्स पर इस प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स मिलते हैं और कैसे आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म से आप प्राइमरीली दो चीजें कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप इस प्लेटफॉर्म से फ्लाइट्स और होटल बुक कर सकते हैं और साथ ही आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। अंत में आप काफी ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म के इंस्टेंट वाउचर्स भी खरीद सकते हैं। ये सब करने पे आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक मिलता है। दूसरा आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स से फ्लाइट्स और होटल बुक कर सकते हैं। अब ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आप होटल्स, फ्लाइट्स और ट्रेन बुक कर सकते हैं, ये डायरेक्टली स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म से ही हो रहा है। लेकिन अगर आप मेक माई ट्रिप होटल्स बुक करते हैं तो आपको मेक माई ट्रिप पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ से आप होटल्स तो बुक कर ही सकते हो, उसी के साथ आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक भी अर्न कर सकते हो। मेक माई ट्रिप होटल्स की तरह ही आप देख सकते होंगे कि फ्लिपकार्ट, इमेजिन ट्रसर, IGP.com पे डायरेक्ट करके शॉप करके आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक मिल रहा है। आप कैसे शॉप कर सकते हो वो भी देख सकते हैं। जैसे आपको फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज करना है, आप फ्लिपकार्ट पे क्लिक करें, टर्म्स को एक्सेप्ट करें, उसके बाद आपको फ्लिपकार्ट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी खरीदना है आप उसको सर्च करें और खरीद लें। एक बात का ध्यान रखें कि आपके कार्ट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक नहीं मिलेंगे। और एक ही सेशन में कंप्लीट करें ट्रांजैक्शन। आप बहुत सारे ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म के इंस्टेंट वाउचर्स भी ले सकते हैं, जिसपे आपको अगेन एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक मिलते हैं। तो आपको काफी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स के वाउचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि Amazon Pay, Amazon Shopping, Flipkart, Myntra, Nykaa, Pantaloons, Shopper Stop, Croma, Reliance Digital, Swiggy, Zomato और भी काफी सारे ब्रांड्स के वाउचर्स मिलते हैं। और हाँ, आप कोई भी ब्रांड्स के वाउचर्स लें तो साथ में ये पता चल जाता है कि आपको कौन से कार्ड पे कितने पॉइंट से कैशबैक मिलता है। जैसे इन्फिनिया कार्ड पर आपको Amazon Shopping के 2000 रुपीज के वाउचर्स पर 65 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और एक्स्ट्रा 260 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। सिमिलरली डाइनर्स क्लब ब्लैक कार्ड पर आपको 130 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। HDFC मिलेनिया पर आपको 100 रुपए का कैशबैक मिलता है। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि क्या इन कार्ड्स पर स्मार्ट बाय के थ्रू अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक मिलता है? सो द आंसर इज नो। तो आपकी स्क्रीन पे जैसे आ रहा होगा कि कौन से मर्चेंट्स या स्टोर पे कार्ड वाइज कितने एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट पर आपको इन्फिनिया पर 3x पॉइंट्स मिलते हैं और डाइनर्स क्लब ब्लैक पर 2x पॉइंट्स मिलते हैं। सिमिलरली अदर HDFC कार्ड्स में मिलेनिया कार्ड आएगा, उसमें आपको 1% कैशबैक मिलेगा। इंस्टेंट वाउचर्स पर आपको रिगालिया कार्ड पर 5x पॉइंट्स मिलते हैं, मिलेनिया पर 5% कैशबैक मिलेगा। आप पूरी लिस्ट वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। लेकिन ये नोट करें कि ये जो मर्चेंट्स और स्टोर्स हैं इनमें भी चेंजेस आती रहती हैं और आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं उनमें भी टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। अब जैसे कि आज से 8-9 महीने पहले Amazon भी एक मर्चेंट पार्टनर था, आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे इन्फिनिया और डाइनर्स क्लब ब्लैक कार्ड पर। एक टाइम पर तो आपको फ्लाइट्स पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे दोनों कार्ड्स पर। अब नेक्स्ट टेबल में आप देखेंगे कि आप मैक्सिमम कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स या आपको कैशबैक मिलता है स्मार्ट बाय के थ्रू परचेजेस पर। जैसे इन्फिनिया पर मैक्सिमम डेली 7500 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स का कैप है और मंथली 15,000 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स का कैप है। सिमिलरली डाइनर्स क्लब प्रिविलेज पर मैक्सिमम डेली 2,000 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स का कैप है और मंथली 4,000 एक्स्ट्रा पॉइंट्स का कैप है। तो ये देख के आप कैसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट है कि आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म से कैसे अपनी फ्लाइट्स और होटल बुक कर सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट से। तो आप मेन पेज से फ्लाइट और होटल बुक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट बुक कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये फ्लाइट चूज की और फिर हमने ये लॉगिन किया। यहाँ पे फिर कंटिन्यू करते हैं, हम ट्रैवलर को सिलेक्ट करते हैं जिनके लिए हमने पहले से इस प्लेटफॉर्म से बुकिंग करी हो, या फिर हम कोई नया ट्रैवलर ऐड करते हैं। अब कंटिन्यू करने के बाद इसमें प्लेटफॉर्म की कन्वीनियंस फी ऐड की जाती है। फाइनली आप 70% ऑफ द बुकिंग अमाउंट एज पॉइंट्स पे कर सकते हैं। आप स्लाइड करके चूज कर सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट पॉइंट से पे करना है और बाकी कितना कार्ड से। तो ऐसे आप फ्लाइट्स और होटल बुक कर सकते हैं स्मार्ट बाय से
यूजिंग पॉइंट्स। इनफैक्ट जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जब आप फ्लाइट्स या होटल बुक करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे 5x पॉइंट्स ऑन इन्फिनिया, तो उसके लिए भी आपको ऐसी ही बुकिंग करनी है, लेकिन उस केस में आपको सारी पेमेंट कार्ड से करनी होगी। तो यहाँ खत्म होता है हमारा स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म का डिस्कशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।